Probably not even shit. आज सूर्य क्यामा मुकम्मल हो जाएगी ना, दूसरा रुकू आज पढ़ते हैं इसका। पिछले सबक का हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुरान शरीफ में अपने पिछले सबक में आपने पढ़ाई होगा घर में कि इंसान की मौत का वक्त उसको याद कराया, और इससे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि और भी कोई ऐसा तुमने देखा हो जो इंसान की रूह को रोक सकता हो जब वो रूह कब्ज की जा रही होती है। जब जान हस्ती तक आन पहुंचेगी और कहा जाएगा कि कोई झाड़ फूंक करने वाला है जो इसको रोक सके, और मरने वाला समझ लेता है कि जुदाई की घड़ी आन पहुंची और लिपट जाती है एक पिंडली दूसरी पिंडली से, उस दिन आपके रब की तरफ कूच करना होता है। तो उससे आगे रिलेटेड सबक है, फला सदका वला सल्ला, इतनी फहमाइश के बावजूद ना उसने तस्दीक की और ना नमाज की तरफ आया। वलाकिन कज़्ज़बा वतवल्ला, बल्कि उसने तो हक को झुटलाया और मुंह फेर लिया। थुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, फिर गया घर की तरफ नखरे करता हुआ। औला लका फऔला थुम्मा औला लका फऔला, बस तेरी खराबी आन लगी, फिर तेरी खराबी आन लगी, अब आ लगी। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ख्याल करता है कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अलम यकुन उद्फतम मिम मनी युमना, क्या उसे याद नहीं कि वो पानी की एक हकीर बूंद था जो टपकाई जाती है। सुम्मा काना आला कतन फखलक फसवा, और बाद में इसको हमने अलक में तब्दील किया यानी लोथड़ा बनाया, और फिर उसको उसके आज़ाद दुरुस्त किए। वजा आला मिनहुलजैन ज़का अवल उनसा, फिर उससे दो किस्में बनाई मर्द और औरत की। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयी अल-मौता, क्या वो इतनी कुदरत वाला इस पर कादिर नहीं कि मुर्दों को फिर से ज़िंदा कर दे। ये अल्लाह ताला के बड़ाई के परामीर हैं। लेकिन बात वही है कि ये कुरान शरीफ में जैसे इसका और भी जिक्र इस तरह से जिक्र है कि जिन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए इंसान उनको तो अहमियत नहीं देता, और जिन्हें अल्लाह ताला ने गैर अहम करार दिया या सिरे से अहम करार ही नहीं दिया, जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर इसकी बहुत सारी बहस होती है। हमेशा इंसान ऐसे ही रहा, बेहिसाब मसाइल, बेहिसाब चीज़ें, बेहिसाब काम। ऐसे जैसे आप सूफिया कराम का, बुजुर्गान दीन का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा कराम का, तमाम का एक ही तरीका देखेंगे कि वो कम बात किया करते थे। बात गुफ्तगू का वक्त उनका कम था, जब बात करते थे मजबूत बात करते थे वरना खामोश है। हमारे यहाँ अब सिर्फ यही है कि बोलते रहो, और बोल नहीं रहे तो अब तक टिक 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 उंगलियाँ चलाते रहो, उंगलियाँ चलाते खाम खा उल्टी चीज़ें मैसेज, और सुनाओ और सुनाओ, फजूल किस्म के मैसेज करते। जब हमारा ये मुसलमान टीवी होता था ना, सिर्फ पीटीवी ब्लैक एंड वाइट टाइप का, तो आपने देखा होगा वो शाम के टाइम कहीं स्टार्ट होता था और रात तक ख़त्म हो जाता, 3-4-5 घंटे होते थे। तो इसलिए वो आपको दौर याद रहता है, उसमें ढेर प्रोग्राम होते थे, 5 या 6 या 8 घंटे टोटल टाइम था ट्रांसमिशन का, और उसमें ढेर प्रोग्राम हर स्टेशन के हर, और ख़बरें भी उसी के अंदर सारी सुनानी है, और वो हर डिपार्टमेंट उसमें ज़ोर लगाता था कि जी मेरा 15-20 मिनट आधे घंटे का प्रोग्राम है, मैंने ये पूरा जोर लगा के करना। अब वो 24 घंटे हो गया, अब 24 घंटे आप क्या सुनाएंगे, 24 घंटे क्या सुनाएंगे। बात तो ऐसे है नहीं कि वो तस्करे के लायक ही नहीं है डिस्कस करने के काबिल, तो वो एक ही बात को फिर पीटते रहते हैं गंदे तरीके से, और जब आप टीवी खोलें तो फजूल खबर चल रही होगी, फजूल बात, और ऐसी अहम करके चल रही होगी कि आप समझेंगे कि बस यही मेरी ज़िंदगी का अव्वल आखिर है। ये है ज़्यादा बातचीत करने, ज़्यादा बातें करने का अंजाम, गैर ज़रूरी मालूमात इकट्ठा करने का अंजाम, या गैर ज़रूरी वक्त में बोलने का अंजाम। और कुरान शरीफ में भी ये बातें भरी पड़ी हैं कि हम देखो तुम्हें कहानियाँ नहीं सुनाते, हमारा काम तुम्हें कहानियाँ सुनानी है। पिछली किताबों में अल्लाह ताला ने तो नाजिल नहीं की, लेकिन अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर तौरात आप उठाकर आज की किताब देखें तो उसमें 10 आयतें टोटल, 10 कमांडमेंट, दैट इज़ ऑल, खत्म हो गई। लेकिन वो इतनी मोटी किताब है, वो तमाम तारीख है,
جو مورخین نے بعد میں لکھی, کچھی کی, جمع کی, پچھلے لوگوں کی کہانیاں, پچھلے لوگوں کی باتیں, وہ سب لے کر کے آ گئے. نوح علیہ السلام کا قصہ, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, اور یہ اور وہ اور قربانی کے معاملات ڈھیر لگے میرے. ٹین کمانڈمنٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں, توریت میں اس کا ذکر. تو توریت اگر آپ پیور توریت کا نسخہ دیکھیں, وہ دس کمانڈمنٹس ہیں, دس احکامات, دس لائنیں, دس آیتیں, ختم ہو گئی. پھر مفسرین نے کہا کہ نہیں, یہ تو بات سمجھ نہیں آئی, یہ تو کوئی ڈیٹیل آئی نہیں. وہ ڈیٹیل ڈالنے کے چکر میں پوری پوری کتاب لے کر, اور عیسائیت میں بھی ایسا ہی ہے. عیسائیوں سے میں نے کئی بار ڈسکس کیا, میں نے خود انجیل پڑھی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑا غور سے, اور عیسائیوں سے بھی بہت بہت طویل اس پہ گفتگو ہوئی ہے, عیسائی عالموں سے بھی اور عیسائی عام عیسائی لوگوں سے بھی. میرے دوست بہت تھے. میں بلکہ گیا لاہور تو بائبل سوسائٹی سے باقاعدہ میں وہ بائبل لے کر آیا, اور ان سے کہا کہ یہ اتھینٹک جو سینٹ جیمس کا ورژن ہے وہ آپ مجھے دیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی زبان سے فرمایا ہوا کوئی اس میں لکھا جائے نا کہ جی جیزس کرائسٹ نے یہ کہا, تو وہ ریڈ کلر سے لکھا ہوگا, باقی سارا کالے رنگ سے لکھا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے فرامین جو ہے جو انہوں نے خود کہا ہے وہ لال رنگ سے لکھا ہوگا. وہ بہت مختصر ہے, اگر آپ وہ نکال لیں تو بہت چھوٹی سی بات ہے. وہ تو انجیل یاد کرنے میں تو بات ہی کوئی نہیں, پھر تو ساری بات 15 منٹ میں یاد, باقی ساری پیچھے ریلیٹڈ کہانیاں, ریلیٹڈ راویان, ریلیٹڈ جیسے ہمارے یہاں احادیث کے راویان ہیں, صحابہ کرام نے لکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تفصیل بیان کی, وہ ایسے بائبل کو بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر ڈسکس کیا ہے, اور 5 یا 6 لوگوں نے, چھٹے کو تو وہ مانتے ہیں لیکن وہ لکھی گئی, 5 طرح کی اناجیل ادھر موجود ہے. وجہ اس کی پھر رزلٹ کیا آیا, پھر وہی رزلٹ آیا, اصل بات دب گئی اور جو تفصیلیں تھیں اس میں پھنس گئے. جیسے آج مسلمانوں میں قرآن شریف ہے, بہت کافی نازل کر دیا, بہت کافی ہے, کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو آپ ڈیٹیلز میں جاتے اور اس کو تفسیریں لکھتے اور تفسیر کی پھر شرح لکھتے اور پھر شرح کی تفسیر لکھتے, کوئی ضرورت نہیں تھی اس بات. جتنی ہدایت آپ کو ملنی ہے کتاب پڑھ کے آپ کو مل جائے, اور نہیں مل رہی تو آپ اس کو سیکھیں لائف ٹائم. آپ نے اور کیا کرنا ہے, آپ سپارہ پڑھیں اور ٹھیک ہے سیکھتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی ہدایت جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنی ہدایت آپ کو دے دیں. کلی ہدایت, ساری کی ساری ہدایت آپ کو نہیں ملی. اب جیسے ایک چھڑی چھانٹ آدمی ہے, اکیلا آدمی ہے, اس کو ترکے کے مسائل سکھانے کی کیا ضرورت ہے یا وہ کیوں سیکھتا ہے؟ ایک ہجڑا ہے, وہ طلاق کے مسائل کیوں سیکھے؟ تو خاص ضرورت نہیں ہے, سیکھنا چاہے تو سیکھے. خواتین نے زیادہ تر, یہاں یہ فیشن بن چکا ہے اور بہت رائج ہے, خواتین میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. خواتین نہیں پڑھتی نماز جنازہ, جا کر کے جاتی ہیں, نہیں جاتی. تو کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ سیکھے. سیکھ لے تو ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے, اس کو ایک اضافی علم مل گیا, بٹ اٹ از یوز لیس فار ایور. میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں, ہے مطلب مضبوط بات لیکن عجیب ضرور لگے گی آپ کو. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, سیانے آدمی ہیں, پرانے آدمی ہیں, اور حافظ قرآن ہیں, مسجد کے بول بھی مطلب سمجھدار آدمی ہیں, سیانے حافظ. تو ایک دفعہ وہ ہمارے ساتھ ان کی انڈائریکٹ ڈسکشن ہوئی, اور انہوں نے ایک عجیب بات کی. انہوں نے کہا لڑکیوں کو حفظ نہیں کرانے چاہیے, حفظ نہیں کرانے چاہیے. کیا مطلب بھائی اس بات کا, یہ تو ہم نے بڑی انوکھی بات سنی. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تو آپ نے کر دی نہیں شادی, ذرا بیٹھا یا تو باہر بیٹھ جاؤ یا مجھے بات کر, محفل میں بات نہیں کرتے. اب میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا, کے ایف سی. اچھا اچھا, میں سمجھا کے ایف سی کہہ. بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا جی لڑکیوں کو حفظ نہ کرائیں. بھائی ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جی حق یہ نہیں بنتا کہ وہ پڑھے اور حفظ کر کے اور بھول جائے, اس لیے کہ اس کا شوہر اس کو کبھی پڑھنے نہیں دے گا.
कि वो जाए बाकायदा दर्स में बांटती रहे और दौड़ करती रहे और याद रखती रहे, वो तो बच्चे पालने में लग जाएगी और ना चाहते हुए भी टाइम नहीं दे पाएगी और आखिर बेचारी भूल जाएगी, बहुत बुरा होगा, उसकी जिंदगी के कई साल जाया हो जाएंगे, वो गिल्ट फील करेगी, बहुत बड़े उसको अर्जा हो जाएगा जहनी जिस्मानी, कर नहीं सकते। इवन लेडी डॉक्टर्स का भी यही हाल है कि मेजॉरिटी में तो बेचारियाँ लड़कियाँ जो डॉक्टर बन रही हैं वो अपनी तवज्जो से, डॉक्टर बनना छोटी बात तो नहीं, वो तो पढ़ना पड़ता ढेर, अब वो पढ़ जाती है और डॉक्टर बन जाती यूजलेस है, ख़त्म हो गई बात, आगे यूटिलिटी कोई नहीं। वो शौहर एक लफंगा बदमाश किस्म का मिल गया, उसने कहा कि जी तुम बच्चे पालोगी या क्लिनिक जाओगे, वो कहा जी बच्चे ही पालोगे, तो उसका पोटेंशियल तो इतना ज़रील कर दिया जाता है। मिसाल मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि कुछ मालूमात, कुछ उलूम, कुछ चीज़ें, कुछ तालीम ऐसी है जो यूज़लेस हो जाती है आगे जाकर, शुरू दिन से होती है या आगे जाकर हो जाती है, ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत नहीं है तो आप उसमें पढ़ते क्यों। अब मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, जो मैंने पीछे तालीम हासिल की है आज तक मैंने अपने प्रोफेशन में कभी उस तालीम को इस्तेमाल नहीं किया। आपको वाजे बता, BSc कंप्यूटर साइंस में कर लिया और हमने वहाँ कोई ख़ास नहीं सीखा और कंप्यूटर हमारे पास था भी नहीं, पुरानी बात है। तो वो बाद में नौकरी करने के बाद हमें पता चला कि जी कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए BSc की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, ये काम जो हम कर रहे हैं ये तो आम छोटा सा सर्टिफिकेट करने वाला भी कर लेता, ज़रूरत नहीं थी, यूटिलाइज नहीं हुई। तो मेजॉरिटी ऐसी है जिनकी मालूमात इस्तेमाल नहीं होती, बहुत कम लोग हैं ऐसे लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, हार्डवेयर इंजीनियर बन गए, सर्जन डॉक्टर बन गए, बड़े काबिल हो गए, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत कम। कुछ डॉक्टर है बेचारे 25,000 पे नौकर लगा हुआ, वो नालायक डॉक्टर, वो टीके गोलियां बस दे रहा है और वो बेच रहा है और वो 2-2, 3-3 सौ रुपए पर मरीजों से ले रहा है, वो बस दैट इज ऑल उसकी जिंदगी। वो डॉक्टर नहीं बना, वो कॉम्पिटेंट सर्जन नहीं बना। इवन कई गायनेकोलॉजिस्ट औरतें हैं, वो तो औरतों को अच्छी तरह पता है कि गायनेकोलॉजिस्ट जो औरत होती है उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं आती, बहुत कम होती है, मतलब लाख में से तो 10 होंगी जिन्हें गायनेकोलॉजिस्ट होने का पता है कि ये हमने क्या पढ़ा है, वरना वो ऐसे ऐसे वो उसमें जाने नहीं होती, ना उसने प्रैक्टिकल क्या होता है ना उसमें हौसला होता है। उस वक्त फिर वो बाकायदा जो स्टाफ टेक्निकल स्टाफ होता है ना जो ये काम करते हैं डिलीवरी का, बस वही आगे आते हैं, के अलावा हो नहीं सकता। उससे बहुत कॉम्पिटेंट LHB होती है, जो हेड नर्स होती है या स्टाफ नर्स होती है, जो ट्रीट कर रही है ना एट द स्पॉट, वो पेशेंट को ट्रीट करते हुए इन प्रैक्टिकल को, वकील ऐसा ही होता है ढेर। आपको यकीन करें मैं आपको वो मैं तो किसी वक्त पोस्ट कर दूंगा वकीलों के लिखे हुए केस, उसका मैं वो दूंगा आप पढ़िएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि केस क्या आया, अदालत में वकील ने क्या लिख के पेश कर दिया। और उससे बहुत ज़्यादा समझदार उसका मुंशी होता है, बहुत समझदार सियाना, और वो बहुत जानता है इस बात को और वो बता देता है कैसे। सरकारी महकमों में मैंने तकरीबन कोई 17-18 महकमों में मेरी ड्यूटियाँ लगी अलग अलग, और मैंने बड़े बड़े 22 ग्रेड 20-21 ग्रेड के अफसर देखे जिन्हें कुछ नहीं आता था, और उनके PN को और उनके सेक्रेटरी को सब पता था और वही चलाते थे साहब को। तो ये मिजरेबल हालतें हैं, ये मिजरेबल कंडीशन, ये ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि आपको इस बात के बेहिसाब और सबूत मिल जाएंगे कि आपने जो इल्म हासिल किया है उसने आप पे कोई फर्क नहीं डाला, वो मालूमात यूजलेस हो गई है आपको। मालूमात जो आपने हासिल की वो आपके लिए यूजलेस हो गई। अब यही हाल अल्लाह रहम करे नमाज के साथ हुआ, इंतहाई अर्ली एजेस में, इंतहाई कच्ची उम्र में बच्चे को नमाज सिखाई गई और वो तालीम का बागी होता है। उस वक्त बच्चा कुछ पढ़ना नहीं चाहता, सिर्फ खेलना चाहता है, छोटा बच्चा। आप उसको कहें इंग्लिश पढ़ो, उर्दू पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, इस्लामियात पढ़ो, अरबी पढ़ो, सिपारा सुनाओ, बस वो यही नहीं करना चाहता जो आप उसको 7-8 बातें पूछ रहे हो। उससे घर में पंजाबी या पश्तो बोल रहा है, स्कूल में अंग्रेजी बोल रहा है, साथ ही आप उसको उर्दू में मौला लगा देते हैं। अब मेरे बच्चे की किताब आई है, उर्दू में मौला की किताब लगा दी 9th क्लास में। लिटरली मैं एक उम्र हो गई और पढ़ाते हुए हो गई, मुझे एक मुश्किल हो जाती है कि इन अल्फाज के मैं मायने कैसे निकालूं और इस उर्दू का क्या मतलब है जो मैं
मैंने बच्चे को पढ़ानी आगे नाइन्थ क्लास आज की किताब उर्दू की उठा के देख रहे हैं गवर्नमेंट यूजलेस है, बच्चे को उससे कोई फायदा नहीं, ना उसने पढ़ना है ना ले, ना वो उसके अंदर इंटरेस्ट ले, क्योंकि लाइफ टाइम उसने वो इस्तेमाल वो वाली उर्दू तो करनी नहीं है। जलबे मनफियत दफे मदरजत मदरत, क्या मतलब है दफे मदरत क्या होता है, जलबे मनफियत क्या होता है, उर्दू दान बनते ना हम पुराने बड़ी उर्दू आती है, क्या मतलब है इन बातों में, नाइन्थ क्लास का बच्चा है उसको मैंने पढ़ाना है। तो इस तरह की बेशुमार गैर जरूरी है गैर। अब वो मैंने बच्चे को दाखिल करा दिया DIT में, डिप्लोमा इन IT, अब वो उसको बता रहे हैं पूछ रहे हैं व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर, व्हाट आर डिजिटल कंप्यूटर, 1960 में कौन सा कंप्यूटर बना था, 1955 की हिस्ट्री बताओ। ओ भाई दुनिया आगे निकल गई, पता नहीं कहाँ कंप्यूटर में कहाँ चलेगा, डिजिटल एनालॉग जानता कोई नहीं, आप 486 286 386 पे घुसे हुए आज तक, वो पढ़ा रहे हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 8086 8088। इसलिए कि जहमत की ही नहीं ना पढ़ने पढ़ाने, पता चला ही नहीं कि आगे क्या हो रहा है, और जान छुड़ाए बच्चे को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब आपका बच्चा आप जैसे आपने कहा वो फ्रेंच पढ़ रहा है, वो मुताला पाकिस्तान पढ़ रहा है, वो इस्लामियात लाजमी पढ़ रहा है, वो इस्लामी इख्तियारी पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंटिस्ट बन रहा है। कोर्स क्या है, BSc कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में वो मुताला पाकिस्तान पढ़ रहा है, कंप्यूटर साइंस में वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, आप उसको क्या बनाना चाहते हैं, यानी पढ़ाने वाला बेचारे में उसको तमीज नहीं है कि ये क्या टारगेट क्या है, जाना क्या है। तो नमाजों में भी यही हाल हुआ, नालायक और जंगली और जाहिल तबका मस्जिदों में काबिज हो गया, बड़े तवातुर के साथ लफंगे जो बेचारे ना पढ़े ना लिखे ना लिबास की तमीज ना दाढ़ी की तमीज ना मिसवाक करने का पता। मैंने अभी मिसाल दी ना आपको, आप उनके पैर देखें मस्जिद में आने वालों मेजॉरिटी में, आप उनके पैर देखे गद्दे होंगे, धोकर आया होता है वो, इन सो कॉल्ड वो धोकर आया होता है, वजू करके आया सो कॉल्ड वजू, मुंह के पास उसके जाके बात करके देखें मुंह से भपके आ रहे होंगे बदबू के, इसलिए कि वो मिसवाक करके आया, उसे मिसवाक करने की तमीज नहीं है, उसको वो मालूमात आई ही नहीं जिसके पीछे पड़ा हुआ, बर्बाद हो सारा जीरो हो गया, जाया हो गया, और वही चले जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर इंसान अपनी मालूमात पे, अपनी इबादत पे, खास तौर पर इबादत पे मगरूर हो जाता है, क्योंकि उसको मालूमात की असल रूह तक नहीं पहुंचा ना, वो उस बात तक नहीं पहुंचा कि जी ये इस बात पे क्या फख्र की बात है, ये तो मैं अल्लाह के हुजूर सिर्फ तौबा इस्तगफार कर रहा हूँ और उसके हुजूर माफिया मांग रहा हूँ और कायम रहने की दुआ कर रहा हूँ, नमाज में आप सिर्फ यही कर रहे थे कि जी मुझे कायम रखे, मेहरबानी करें मुझे फेर ना दें, मैं रास्ते से हट ना जाऊँ, और मुझे भी बख्श दें, मेरे माँ बाप को भी बख्श दें, लोगों को भी बख्श दें, वलिन मुमिनीन आया हूँ मैं अबू मेरे साहब वहाँ कर सकता हूँ दूर पड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उसमें बिल्कुल कोई कामिल वलीउल्लाह नहीं बन रहे होते कि आपने 5 वक्त नमाज पढ़ ली तकबीरुल इहराम और आप कामिल वली हो जाएंगे, लेकिन कामिल वली इंसान खुद को समझने लग जाता है, 10-20-50 महीना 2 महीने 6 महीने साल भर नमाज पढ़ने वाला वो खुद को कामिल वली समझता है और मस्जिद का और इस्लाम का ठेकेदार समझता है। आई नो एवरीथिंग, मुझसे पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा सारी बात, नमाज इस तरह पढ़ते हैं, नमाज ऐसे नहीं, फलानी हदीस ऐसे, फलाना मसला। इनफैक्ट उसको 3 या 4 या 5 बातें आती, उसको पूरी बात नहीं आती, पूरी बात नहीं। मैंने जैसे अभी पिछले सबक में भी यही बात की, कई बातें इसी तरह से रिलेट हो जाती हैं कि आपके घर अगर बाल बच्चे का सिलसिला हो और आप जनाब डॉक्टर तलाश कर रहे हैं या एक कॉम्पिटेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मुस्तनद तमाम सहूलियात से जो पुर होगा अस्पताल वहाँ जाएंगे और वहाँ आप देखेंगे कि सबसे सीनियर डॉक्टर कौन है जो मेरे पेशेंट को ट्रीट करे। आप वहाँ किसी राह चलते लफंगे लेतरे के बाद थोड़ी जाएंगे कि छोटा सा क्लिनिक डाल के बैठा हो और वो पैरासीटामोल की गोलियाँ बेच रहा है या डिक्लोफेनिक सोडियम दे रहा है लोगों को टीके लगा रहा है, आप उसके पास थोड़ी चले जाएंगे कि जी ये डिलीवरी कर लेगा, है डॉक्टर ही। आपको ये पता होगा कि भाईजान ये कॉम्पिटेंट गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, इसके पास सर्जरी का या डिलीवरी का काम नहीं है,
इसके पास तो ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है, इसके पास तो आफ्टर बर्थ बच्चे की ट्रीटमेंट का कोई निजाम नहीं, इसका एक्सपीरियंस नहीं। आप ये 5-6 बातें सोच लेंगे और सारा स्किप कर देंगे। जितने नजदीक के पेशेंट गली भरी पड़ी हो, गली में डॉक्टर 50 बैठे होते हैं ना, आप नहीं जाएंगे, आप बड़े अस्पताल जाएंगे और आप एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर तलाश करेंगे। अब आपकी किस्मत है वहां कॉम्पिटेंट मिल जाए, कमाल तो ये होता है कि वहां भी अल्लाह ही मालिक है, मिल गया तो ठीक है। वही बात है कि गायनेकोलॉजिस्ट को पता कुछ नहीं होगा, LHB को सब पता होगा, अल्लाह करे वो कॉम्पिटेंट मिल जाए और काम हो जाए। लेकिन आप कोशिश यही करेंगे कि मेरा पेशेंट खराब ना हो, किसी आर्जे में मुबतला ना हो पूरी। लेकिन आप दीन में, इस्लाम में, ईमान में उस लाइन से बच्चे को शुरू नहीं कराते, उस लाइन से, उस रास्ते से कि मैं कॉम्पिटेंट आदमी के पास बच्चा भेजूंगा, मैं ऐसे ही किसी जमेरात की रोटी वाले के पास बच्चा नहीं भेजूंगा जो मुझे, जो मेरे बच्चे को इस्लाम के नाम पे बर्बाद करे, उसकी मेंटेलिटी वीक कर दे, कमजोर कर दे, पसमानदा कर दे उसको आवारा किस्म की खुले पैंचों वाली अजीब सी शलवार पहना दे और एक कुर्ता और एक टोपी अजीब सी चकोर टाइप की पहना दे और क्या ये इस्लाम है, अगर तूने ये छोड़ा तो तू काफर। वो वहाँ मेंटल कीड़ा उसका वो वहाँ बांध देते हैं आप, और वो इस्लामी शिक है, वो यही मानता है बस, दैट इज ऑल, यही खत्म। और कमाल की बात ये होती है कि वो उसमें रिजिड हो जाता है, रिजिड तकिया नूसी हो जाता है। अगर आपको उसको बताया कि भाईजान ये सारा इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम के बुनियादी स्टार्टिंग 2-3 पहले पॉइंट्स हैं और आप इसी में जम गए, तो वो आपको मरने मारने पर तुल जाएगा, वो सीखने के अमल की तरफ आएगा, उनको सीखने का अमल खत्म। वो हम बचपन में कहते थे समझदानी बंद होगी, वो की जाती है ना बाकायदा, दिमाग बंद कर दिया जाता है, वो बंद हो जाता है। आपके पास मालूमात है या नहीं है एक बराबर हो जाता है, सीखने के अमल की वो सीख ही खत्म होगी, वो प्यास ही खत्म होगी, काम खराब हो जाता है। तो उसके नतीजे ये निकलते हैं जो कुरान शरीफ में लदारा ने बार बार कहा कि तुम नमाज की तरफ जाते हो, तुम्हें नमाज का पता करो, फवाइलुल मुसल्लीन, भूले हुए बैठे हो, पढ़ते हो नमाज भूले बैठे। फिर दूसरा ग्रुप आ जाता है जैसे ये आज जिक्र किया, ये तो नाफरमानों का जिक्र है कि ना उसने खुद को सुधारा ना नमाज की तरफ गया, बल्कि वो तो आवारगी की तरफ बढ़ गया। पिछले सबको मैं आपने पढ़ा कि ऐसे लोगों को कठिन चढ़ाइयां चढ़ाते हैं, जो बड़े शौक से वो चढ़ता है, यही नतीजे आएंगे और यही रिजल्ट आएगा, यही काफ पर आओ इंसान की जिंदगी में। मैं फिर वो रिपीट पुराना सबक एक करता हूँ, बहुत बड़ा कोई मजहबी स्कॉलर हो, बहुत बड़ा दीनदार हो, या एक आम आदमी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी मजहब का, अगर मजहब से थोड़ा सा भी उसका लेना देना ना, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी किसी भी मजहब का है, बुनियादी तौर पे उसकी मजहबी जिंदगी का टारगेट जो है मुसलमान का जन्नत है, मजहबी जिंदगी का टारगेट, दैट इज ऑल एट द एंड आपने जन्नत में, यही बात। आप इसके अलावा कहाँ जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे, बट इट इज स्टिल हेवन। आखिरी टारगेट दीनदार आदमी का, मजहबी रुझान रखने वाले किसी भी दुनिया के किसी भी आदमी का, किसी भी मजहब से, उसका आखिरी मंजिल, आखिरी मोटिव, आखिरी मोटो जन्नत, इसके अलावा कहाँ जाएगा। अब मैं जन्नत से रिलेटेड आपको एक मिसाल सुनाता हूं, मानना ना मानना आपकी बात। पुराने वक्तों में फिरौन होते थे, फिरौन मिस्र के काबिज, मिस्र के बादशाह को फिरौन कहते थे। एक तो मूसा अलैहि सलाम वाला था ना, मूसा अलैहि सलाम से पहले भी बहुत सारे फिरौन गुजरे हैं, वो एक टाइटल होता था, वक्त के बादशाह को फिरौन कहा जाता था। आज भी हम कह देते हैं वक्त के बादशाह को, सारे वक्त के बादशाह फिरौन होते, नवाज शरीफ था तो फिरौन था, मुशरफ था तो फिरौन था, जरदारी था फिरौन था, इमरान खान है फिरौन, ये सारे फिरौन ही। हमारा वो एक तकिया कलाम है, हमारे कोई बुरा कहते, पिछले वो फिरौन असली वाले थे, वो नेक फिरौन था, सियाना बहुत था, और फिरौन की हुकूमत उस वक्त नॉन वर्ल्ड में तकरीबन सब पे होती थी, मिस्र का हाकिम सारा ही हाकिम होता था। इसके पास दरबारियों के और वो चेरे चांटों की फौज थी, गुजरा उमरा, इसके पास एक इंतहाई कीमती हीरा या एक इंतहाई कीमती मोती था, और इसने एक दफा दरबार में ऐसे ही एक
खेल तमाशा सा लगाया कि चलो वक्त पास करने के लिए एक काम करें। उसने वो मोती सबको दिखाया और सबने बड़ी तारीफ की कि बड़ा नायाब है, दुनिया में एक ही है, बड़ा कीमती है, एक ही है। बादशाह ने कहा अब मैं ये एक मजबूरा जंगल में किसी जगह जाकर छुपाऊंगा और ये मोती जो ढूंढ लेगा ये इनाम में यही मोती पाएगा। लोग बड़े हैरान परेशान कि इतनी नायाब चीज, कमाल है, और ऑप्शन मिल रही है कि हम इसे जीत सकते हैं, हमें हमारे नाम हो। बादशाह सलामत मशकूरा वक्त पे निकले और किसी जंगल में जाकर वो मोती बड़ा ढका छुपा दिया अपनी तरफ से और वापस आ गए और फिर तमाम उमरा वजरा को अशारा जाके अब तलाश कर ढूंढ पड़ गई, घूमते रहे फिरते रहे, अब कहाँ मिलता घने जंगल में एक मोती तलाश करना, सारे सुबह से शाम तक कहीं लग रहे। शाम को किसी एक अंधे के नीचे बटेर आ गया। अब ये एक हादसाती बात है ना, ये उसकी कॉम्पिटेंस नहीं होगी उस आदमी की, बस वो हर आदमी हर खुट में हाथ दे रहा होगा तो किसी ने किसी खुट में एक आदमी के हाथ में, चाहे वो हकदार था या चाहे नहीं था, बस उसके हाथ में मोती आ गया और उसने उठा लिया, शोर मचा दिया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे। दौड़ते दौड़ते बादशाह के पास आ, फिरौन के पास, दरबार दोबारा सज गया, बाकियों के मुंह लटके हुए, ये बड़ा शादमान फरहान, कमाल, मुझे मिल। बादशाह का हाँ जी हमारा कॉल है और ये आपका इनाम है, बल्कि हम और इनाम देते तो उसको और इनाम। ये जो बाकी दरबारी थे नाकाम लौटे थे, ये उनके मुंह और लटक गए। बादशाह ने कहा देखो तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों परेशान, भाई इनको भी सबको इनाम दे। सब जितने ढूंढ में पड़े थे दरबारी उमरा वजरा सबको इनाम दिया गया। अब भाई साहब जो शादमान फरहान थे, जो कामयाब कामरान थे, इन्हें तकलीफ होगी, ये खड़े हो कि जी जीतकर तो मैं लाया हूँ, ढूंढ कर तो मैं लाया हूँ, उन्हें क्यों इनाम दिया, मुझ में और इनमें क्या फर्क है। बादशाह ने बादशाहों वाली बात की कि जी मुझे मेरे नज़दीक तो कोई फर्क नहीं है तुम में और इनमें, तुम्हारा आपस में बहुत फर्क है, तुम्हारा आपस में चपकलश है, मेरे नज़दीक तो तुम सारे एक बराबर हो, सारे दरबारी हो, सब ने मेहनत की है और चूंकि मोती था ही एक, था ही एक को ही मिलना था, होना तो ये चाहिए था कि अगर 10 ढूंढने वाले थे, 20 50 ढूंढने वाले थे तो 50 मोती ही छुपाए जाते और टारगेट होता कि हर आदमी एक मोती ढूंढ कर लाए, फिर एन इंसाफ था। अब ऐसा हुआ नहीं, मोती एक रखा गया और ढूंढने वाले सैकड़ों हो गए, मिलना तो फिर वो एक को ही था और वो भी उसकी इंटेंशन तो उसमें बस वाजिबी थी, वो उसकी गुड लक उसमें काम आ गया और उसने तलाश कर। खैर ये इस भाई की कोई नादानी ऐसी थी कि वो खत्म किए, लेकिन नहीं फिर है मतलब फर्क तो फिर कोई ना होया, इन्होंने भी जनाब इनाम थे सानू भी इनाम। बादशाह ने कहा अच्छा अच्छी बात है, हम फर्क खत्म करते हैं, लाओ वो मोती लाओ। मोती लाया गया, बादशाह ने रखा ऊपर से गुर्ज मारा, तोड़ के फारिग किया, पाश पाश किया, खत्म किया। उसने कहा झगड़ा खत्म हो गया, यही यही झगड़ा था ना, इसी पे जोम था तुम्हारा, यही खत्म कर दिया। बात आपको समझ आ गई। इसको मैं रिलेट करता हूं दूसरी तरफ, मेरी दुआ ऐसा ना हो लेकिन ऐसा हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा किसी कोने में बैठ के सोचेंगे तो ऐसा हो सकता है, मेरी दुआ यही है कि ऐसा ना हो। नेकोकार लोग जन्नत में चले जाएंगे अपने अजर की वजह से, जन्नत ही कितनी है, जन्नत एक है, उनको उनका मोती मिल जाएगा, है जी ढूंढ मिल जाएगी उनको, जो उनकी तड़प थी तलब थी वो मिल जाएगी। कुछ गुनाहगार जहन्नमी दोजख में पड़े हुए उनको भी एक वक्त में निकाल लिया जाएगा और हदीस में इसका जिक्र है, और वो भी दोबारा अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में डाल देगा। अब वहाँ जन्नती जब देखेंगे दोस्तियों को तो उनसे पूछेंगे कि तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, अल्लाह ताला ने हमें माफ़ कर दिया। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ जन्नतियों का और नौवारिस जन्नतियों का कुछ इख्तलाफ हुआ और अल्लाह ताला से उन्होंने पूछा कि जी हम तो सारी जिंदगी मुत्तकी परहेजगार रहे और ये फराडिया रहा, सारी बदमाशियां करता रहा, इसको भी जन्नत में डाल दिया, हमें भी जन्नत में डाल दिया, इसमें हमें फर्क क्या है, क्या फर्क है। और अगर
बादशाह ने बादशाहों वाली बात कर दी कि जी मेरे नजदीक तो कोई फर्क नहीं है, तुम्हारा आपस का ही फर्क है, मेरे नजदीक तो तुम सारे बंदे ही हो, सारे ही बंदे हो, मैं चाहूं सबको जन्नत में डाल दूं, चाहूं सबको दोजख में डाल दूं, इसमें कमाल तुम्हारा कोई नहीं। अजर तो मैंने ही अजर डिक्लेयर किया ना, मैंने कहा ऐसे नमाज पढ़ो ये अजर बन गया, अगर मैं ना करता तुम कैसे अजर पा लेते, तुम अजर नहीं पा सकते। हम नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, इबादत करो, रियाजत करो, हमने इसको खुद, मैंने ही इसको सवाब और अजर डिक्लेयर किया और मैंने इसका नतीजा रखा कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। अगर मैं ना रखता, मैं अजर रखता ही ना, सिरे से नेकी और सवाब रखता ही ना, तुम किस बिल बल पे, किस बिरते पर जन्नत के हकदार हो? तो इसमें कमाल तुम्हारा कोई नहीं, कमाल सारा हमारा और तुम सब एक बराबर हो। और ना अगर तुम्हारा झगड़ा है तो हम झगड़ा मुका देते हैं, और अगर उसने जन्नत का मोती उठाया और उसको पाश पाश कर दिया और तोड़ के फारिग किया, फिर आप किस बात पे झगड़ोगे? फिर आप क्या करें? जो हरकतें हैं जन्नत में जाने वालों की, जाएंगे ही, जाहिर है एक ढेर तो जन्नत में ही जाएगा, बहुत कम दोजख वाले होंगे, ज्यादा तादाद जन्नत में जाने वालों की। तो अगर आप जन्नत, आजकल आपको पता लग जाता है ना, जन्नतियों के वाजे पता लग जाता है फला आदमी जन्नत में जाएगा गारंटेड, हर मर जाने वाला तो वैसे ही जन्नती होता है, कोई फौत हो जाए ना फौरन आ करते बड़ा जन्नती, औरत भी बड़ी जन्नती औरत थी, बड़ी नेक थी, सारे उसको डिक्लेयर करते जन्नती। तो मैं वो पिछली दफा भी आपको लतीफा सुनाया, वो इसी तरह पुराने दौर में भी एक माँ अपने बच्चे को लेके किसी गोरा कब्रिस्तान में फिर रही थी, गोरी थी, और बच्चे ने देखा तो जनाब वहाँ पे भी कसीदे लिखे हुए हर कब्र के ऊपर है जी, जन्नत मकानी फलाने गौसे समदानी और फलाने वलीउल्लाह और कामिलीन और फलाने की औलाद, फलाने की औलाद, पूरा शजरा भी लिखा हुआ कब्र के ऊपर, और कमाल के उसके नेकियों की एक भरमार लिखी, एक कब्र पढ़ी, दूसरी, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवां कतबा बच्चे ने पढ़ लिया। तो माँ से उसने पूछा कि अम्मी ये नेक लोगों का कब्रिस्तान है तो जो बुरे लोग मरते हैं उनका कब्रिस्तान किधर है? तो आपको भी अपने कब्रिस्तान जाकर ये पता चल जाएगा कि यहाँ सारे नेक लोग दफन हैं, बुरे लोग तो पता नहीं कहाँ जाते हैं, पता नहीं पकाकर खा जाते हैं, क्या करते हैं, घरों में ही खा जाते हैं, वो बुरे लोग भी तो उसी कब्रिस्तान गए, तो वो उनकी कब्र तो हमें कहीं नजर नहीं आई, लेकिन हम फिर भी कह देते हैं कोई कब्र गिर गई ना, बारिश हुई कब्र गिर गई, ढह गई, बैठ गई, कहते हाय तो बड़ा जहन्नमी जा बंदा, कब्र में अगर सांप नजर आ गया डिक्लेयर कर दिया जहन्नमी आदमी, कब्र में बिच्छू नजर आ गया, ओ भाई जान वीराने में कब्रिस्तान में और क्या होगा, सांप और बिच्छू होंगे, कीड़े होंगे और क्या होंगे, डेड बॉडी को और कौन खाएगा, सांप और बिच्छू ही खाते, कीड़े ही खाते, चिड़ियां खाती हैं, इससे नेकी और बदी का क्या लेना देना? लेकिन हम फौरन फैसला कर देते हैं ये जहन्नमी है वो जन्नती है, आज तक कफन मैला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो कफन मैला नहीं हुआ, वो इसलिए कि मेजॉरिटी में उसमें होता है कि कफन अच्छी क्वालिटी का था और काफूर लगाया बहुत अच्छा लगाया, गुस्ल देने लगा बहुत अच्छा गुस्ल कर दिया, प्रिजर्व होगी बॉडी जैसे मम्मी बन जाती, अब वो मम्मी फिरौन की बड़ी मम्मी फिरौन की खराब ही नहीं आया था, बड़ा नेक आदमी था, है सारी दुनिया देखने जा रही, कहते कोई नहीं, पूरे आजाद दुरुस्त है, नाखून तक ठीक है, बाल भी हैं, ये भी है, दांत भी हैं, स्किन भी ठीक है, नेक आदमी है बड़ा, नेक आदमी की यही निशानी है। बहरहाल हमें पता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने फैसले चूंकि बना रखे हैं और तस्वीरें बनी पड़ी हैं तो हमें पता चल जाता है नेक कौन है बद कौन है, तो आपको पता चल जाएगा कि नेकों की तादाद बहुत ज़्यादा है जन्नतियों की, बहुत अच्छी बात, अल्लाह करे सारे हों और जाए जन्नत। अगर जन्नत का मोती मालिक ने, जो असल मालिक है जन्नतों का और दोजख का और इंसान का हर चीज, अगर उसने वो झगड़ा देखा बढ़ते हुए और उसने झगड़ा मुका दिया, जो कि कुरान शरीफ में कई जगह लिखा है कि मैं क्यामत के दिन फैसला करूंगा तुम्हारे झगड़ों का, कुरान शरीफ में पढ़ा है आपने ये बात, मैं तुम्हारे झगड़ों का फैसला क्यामत के दिन कर दूंगा, मैं उन सारी बातों का फैसला कर दूंगा जिनमें तुम झगड़ा करते थे, जिनमें तुम्हें एतराज था, और हमारा मेन एतराज जन्नत पर ही है इस वक्त, आज की डिबेट भी ऐसी, मैं जन्नती हूँ, तू दोषी है, सारे दोषी हैं, फलाना मजहब दोषी है, वो एक दूसरे के मुताबिक सारे दोषी हैं, यहूदियों के मुताबिक ईसाई, ईसाइयों के मुताबिक मुसलमान, ईसाइयों के मुताबिक यहूदी, मुसलमानों के मुताबिक सारी दुनिया, हिंदुओं के मुताबिक सारी दुनिया, ये सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, सब के मुताबिक जन्नतियों और दोषियों की
बाकायदा एक जंग जारी है कि हम जन्नत में जाएंगे और तुम दोजख में जाओगे। यही झगड़ा है, मेन झगड़ा ये। कामयाब लोग हम हैं, आप नाकाम हैं। हमारी इबादत का तरीका ठीक है, तुम्हारी इबादत का तरीका गलत है। यही झगड़ा है। और अगर अल्लाह ताला ने ये कुरान शरीफ के फैसले के मुताबिक अगर ये झगड़ा मुका दिया क्या मत दे, तो पीछे क्या बचेगा? तो इस पर गौर करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। अपनी इबादत रियाजत करते रहें, अपने अल्लाह ताला को राजी करते रहें, अपनी नमाज में कोई शक ना करें, अपनी किसी इबादत में कोई शक ना करें। आपने पढ़ लिया सिबारा, आपने, अब मैं अपनी बताता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ता हूँ मैं, तो चूंकि मैं ऐसे ही अभी नौसिखिया हूँ तो मुझे बार बार लगता है मैं ये गलत पढ़ गया, गलत हो, ये नहीं सही पढ़ा, फिर दोबारा देखता हूँ, फिर गलत पढ़ा। ये शक दिमाग में रहता है कुरान शरीफ पढ़ते हुए, जेर जबर गलत हो गया, आगे पीछे वो भी आती है गलतियाँ, कोई अजीब अजीब लफ्ज ही नहीं होता वो मैं पढ़ जाता हूँ, आंखें पतनी इस किस्म की वो ब्लर हो जाती है, क्या समझ नहीं आती। तो ये शक रहता है आदमी को। नमाज में एक रकत पढ़ी है, एक रुकू किया, एक सजदा किया, पूरी हो गई नहीं हुई, सलाम कर दिया, पूरी हो गई थी, तीन पढ़ी है, चार, ये ख्याल अक्सर, ज्यादा नहीं, अक्सर आ जाता, हुई पूरी नहीं हुई, सूरत पढ़ी थी नहीं पढ़ी, बहुत सारी इबादत है, बहुत सारे तरीके। जब आप सदका खैरात करते हैं तो उसमें बहुत होता है। अब आपकी जेब में कोई 2-4-5 हज़ार रुपये ना, वो ऐसी टटपूंजी टाइप के हम खैरातिए हैं, कितनी खैरात करते हैं हम, कितनी खैरात, 10 रुपये की खैरात कर दी, दुकान कोई आया ना मांगने वाला, 10 रुपये दे दी, दैट इज ऑल। फिर हम सोचते हैं यार मुस्टंडा था, बड़ी तगड़ी औरत, आके घर में बताएंगे, नहीं मोटी औरत थी और ठक बैल बजाई उसने के जी अल्लाह के नाम दे, फिर क्या किया, फिर मैंने 10 रुपये दे दिए, लेकिन वो हकदार नहीं थी। ये आपको पता होता है हकदार नहीं थी, वो ऐसी फ्रॉडन थी। जैसे मैंने आपको पिछले अभी सबक में 2-4 महीने पहले एक बात पूछी, शायद आपको याद हो, एक आदमी है बहुत लेन चाहिए, मोटा तगड़ा, अट्टा कट्टा, मोटा तगड़ा है, और वो आपसे सवाल करता है कि खुदा के नाम पे मुझे खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी। तो आपके जहन में क्या जवाब आएगा, आप क्या कहेंगे उसको? कहेंगे यार हड्डा कट्टा है, तो अपने वजूद देख तो मुझसे भी ज्यादा सेहतमंद है, मुझे शर्म नहीं आती, मेहनत कर, शर्म नहीं आती। आप फौरन ये जज कर लेंगे कि ये हकदार नहीं है, ऐसी बात। हालांकि अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से, कॉमन सेंस से देखा जाए, तो जितना मोटा और तगड़ा और हट्टा कट्टा आदमी होगा, जितना पेटर है, उसको बेचारे को उतनी ही खुराक की जरूरत है, उसकी खुराक पूरी नहीं होती होगी, उसे कौन 20-25 रोटियां देता होगा एक टाइम में, कोई देता होगा घर में? नहीं देता होगा, उसकी भूख पूरी नहीं होती होगी, वो भूखा रह जाता होगा। आप उसको मुस्टंडा कह के फारिग करते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा पहले उसका हक है कि ये इसका वजूद ही इतना बड़ा है कि इसको सबसे पहले इसकी खुराक पूरी की जाए, सब लोग मिलकर इसे खिलाएं। ये अलग बात है कि वो थोड़ी देर में फिर आ जाएगा, लेकिन आप फैसला कर लेंगे कि मैंने ज़कात खैरात सदका तो कर दिया, ठीक जगह नहीं हुआ, मुस्तहिक तक नहीं पहुंचा, कलक अंदर रह जाएगी। बड़े नसीबों वाला वो होगा जिसने सदका खैरात ज़कात दी, इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया, और उसको ये कामिल यकीन हो कि मैंने मुस्तहिक तक पहुंचा दिया। ये बहुत कम फीलिंग आएगी आपको, वरना आपके दिन में आएगा क्या, जरूरतमंद नहीं था, इससे जरूरतमंद तो फलाना था, उसको दे देते, आइंदा उसे देंगे। जब आइंदा उसे देंगे तो कहेंगे नहीं ये भी जरूरतमंद नहीं था। कुछ फार्मूले बने हुए हैं ना, बेवा को दें, यतीम को दें, मिस्कीन को दें, वो हमने देने के सदके खैरात ज़कात के फार्मूले बनाए। कुरान शरीफ में एक इसका अजीब फार्मूला है, वो हमने तफसील से पढ़ा, ना पढ़ने की वो कोशिश की, वो आहुदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप तो ज़रूरतमंद को उसकी सूरत से पहचान लेगा। एक तो वो लिपट लिपट कर मांगता नहीं होगा, प्रोफेशनल अंदाज नहीं होगा, आप जान जाएंगे कि ये ज़रूरतमंद है। तो वो तो अब ऐसी जनाब बसीरत कहाँ से लेकर आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात अब कुछ और है, मामला ही बदल जाता है वो तो। लेकिन उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये फेथफुल बात की है, एक ट्रस्ट किया है हुजूर पाक पे, आप तो जानते हैं जरूरतमंद का, आप तो देखते पहचान जाएंगे। तो पीछे क्या उसके लॉजिक हो सकती है, कौन सा ऐसा कोई सीख, कोई ऐसा कोई आधा एक आधा परसेंट कोई ऐसी क्वालिटी पैदा हो जाए कि इंसान भी जरूरतमंद को सीख जाए, देखना समझ ले, तो वो सीखने का अमल है वो।
हमने नेकों की तस्वीर बनाई हुई है, नेकोकार नेक आदमी की तस्वीर है, दाढ़ी है, चोगा है, दस्तार है, तस्बीह है, टोपी है, मुसल्ले पे बैठा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हर बात में सुभान अल्लाह, कुरान शरीफ की आयत पढ़कर सुनाए, ये एक कन्फर्म नेक आदमी। और एक आम आदमी है, शेव की भी है या दाढ़ी मूछ है उसकी या मूछे रखी हुई है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, मोटरसाइकिल पे कहीं टर टर जा रहा है अपनी ड्यूटी करा। तो हम कहेंगे नहीं ये वो इतना नेक नहीं है, ये वो वाला नेक नहीं है कि इसको आप ओके बाबा जी गल सुनो मेरे वास्ते दुआ करना, बाबा जी आओ नमाज पढ़ा दो। ओके जी मैं तो एक सेल्स मैन हूँ, नॉर्मल मोटरसाइकिल या गाड़ी पर सेल्स कर रहा हूँ, सुजुकी वाले को रोक लें पाजन जमात करवा दें। आपने कहेंगे नहीं, आप कहेंगे कोई सियाना जहा बंदा लभो ना जी, इतने पेंट भाई पेंटा कड़ी जमात होनी, आप तो पेंट के बगैर वाला देखें है जी। आपने एक तस्वीर बना रखी है कि जी ऐसा देखो जिसकी दाढ़ी हो, चाहे वो जमाने का उल्लू का पट्टा हो, जमाने का फ्राडिया हो, लेकिन चोर इतना हो, दाढ़ी उसकी इतनी लंबी हो, टोपी उसने पहनी हो, गेटअप उसका पूरा हो। आपके जहन में बात यही आएगी कि मोतबिर आदमी तो यही लगता है। मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ, आपने भी देखा है, उर्स पे जाते हैं लियाकतपुर शरीफ, अभी वो 2-3 साल से वो बंदा नहीं आ रहा। वहां पे एक खोते रेड़े पे ना एक आदमी आता था, ज़ईफ सा, बहुत जसीम आदमी था, बड़ा मोटा तगड़ा, सफेद दाढ़ी, पगड़ बांधी हुई, हाथ में डंडा, अमामा सही बांधा हुआ, तस्बी, पूरा गेटअप पूरा था उसका पीरों वाला। और वो खोते रेड़े पे ना वो उसने वो स्पीकर लगाया हुआ होता था, दरबार के बाहर बैठा होता था, और वो जनाब उसने नाते लगाई हुई, ये लगाया हुआ, शोर चंगा हुआ, उसने रौनक लगाई थी, और वो 5-5, 10-10 रुपये लोगों से लेता था कि जी फलाने बच्चे ने बाबे ने नाते जनाब 10 रुपये देते ने, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, फिर आ गए अनगिनत पैसे देते ने फलाने ने कबूल फरमाए। अब जब कवाली शुरू होती थी ना, महफिल शुरू होती थी, तो वो पिंडाल में उतर आता था और हर कवाली पे मस्तों की तरह धब्बड़ 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 नाचता था। तो हम बलूंगड़े बलूंगड़े से थे उस कोने में एक लाइन में बैठे हुए, सारे यूं ऐसे सफर करके आए हुए ना, वैसे ही नींद में होते थे, और ये जनाबे अली बुलडोजर की तरह फिर रहा होता था, उससे बड़ा डर लगता था। उतने बड़े बड़े पैर थे, देहाती आदमी था, लंबा बहुत, तो वो अक्सर पैरों के नीचे दे देता था चंद लोगों को, धमाल ही डालता था ना, धमाल डालने वो कईयों को रोन सकता था, और वो अक्सर गिर जाता था, और वो जब गिर जाए तो आप समझ लें कि टैंक गिर गया किसी के ऊपर। अच्छा गेटअप उसका कमाल का ये था कि आप हैरान, मेजॉरिटी बाहर से जाने वाले समझते थे पीर साहब यही है। आप पीर साहब तो बेचारे वो सीधे साधे गुलाम साबिर साहब, वो तो ड्रामा श्रामा करते नहीं ना, वो धमाल डालते, वो चुप करके एक जगह बैठे हुए, एनएक्स लगाई हुई बैठे हुए, सीधे बैठे हुए, कुछ नहीं कर रहे ना, वो कर रहे हा हा हा, वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो बैठे सीधे साधे बैठे, दाढ़ी हल्की सी रखी हुआ ठीक है कोई बात नहीं, एक टोपी रखी थी, लेकिन गेटअप उसका ज्यादा था, इसलिए लोग समझते थे बड़ा पीर साहब ये है, ये जो ज्यादा कूद रहा है, छलांगे मार रहा है, गेटअप भी इसका, दाढ़ी भी इसकी ज्यादा है, पकड़ भी इसका बड़ा है, तो गेटअप वाइज वो ज्यादा पीर साहब थे। जो साहिब महफिल थे वो बेचारे एक कोने में बैठे, कोई बात नहीं, छोटा सा तकिया किसी ने लगा दिया तो लगा दिया, नहीं तो बगैर तकिए के वो शरीफ आदमी बैठे, तो ड्रामा श्रामा करना उन्हें आया ही नहीं, जो पीरों पीरी मुरीदी के लिए जरूरी होता है कि जनाब आप बैठे हैं और यूं जरा गेटअप बना के वो किया, तो वो मानते नहीं लोग। मैं आपको इससे रिलेटेड एक बड़ी वाजे रिवायत सुना, कई हदीसों से साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ ऐसे ही बैठते थे आम सादा आदमी की तरह, कोई गेटअप नहीं होता था। और कई रिवायतों में इसका जिक्र है कि जब कोई बाहर से ताइफा आता था, कोई ग्रुप, कोई डेलीगेशन, तो वो आप वो पूछते थे आके जी आप में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, आप में कौन है, तो फिर सहाबा कराम बताते थे ये है। पढ़ा है आपने, सुना पहले, पूछना पड़ता था क्योंकि आप इंतहाई सादा अंदाज में बिल्कुल सीधे साधे बैठे, आप कोई टेक लगा के मसनद पे ऐसे नहीं बैठते थे कि पता लग जाए दूर से यही कोई जनाब है, यही हो ऐसा नहीं, आप इंतहाई सादा और म्याना रवि के अंदाज में बैठते थे, इम्तियाज आने नहीं देते, फर्क होता ही नहीं था, कोई जज कर ही नहीं सकता था कि जी ये मोतबर है सब में, आप इतने यानी आजी में बैठे होते थे, पूछना पड़ता था, गेटअप नहीं था ऐसा, देखते ही पता चलता। अब आप दरबार जा रहे हैं बादशाहों के, बादशाहों के दरबार, बादशाह ने एक ताज पहना होगा,
उसने एक चोगा पहना होगा मखसूस, सिर्फ बादशाह ही पहनेगा वो, बादशाह के हाथ में एक डंडा छड़ी मखसूस बादशाह वाली, मखसूस तख्त होगा उसी पे बादशाह बैठा, यही बात है ना, देखते ही पता चल जाएगा कि ये बादशाह है, पूछने की जरूरत, उसका गेटअप पूरा होगा, चाहे वो घामड़ हो जमाने का चाहे। अब वो निजाम सिक्का था ना, पिछले दिनों हम कॉमेडी ड्रामा देख रहे थे, तो बादशाह वक्त में पता नहीं सर जो झूठे हुमायूं ने उसके साथ ही किया, उसने बादशाह ने उसको अपना ताज पहनाया, चोगा पहनाया, ये पहनाया, वो पहनाया, वो तख्त पे बैठा, तो सबने उसको बादशाह माना, तो एक गेटअप पूरा हो गया था, उसकी बूथी बना ली थी उसने बादशाह वाली, वो बेशक एक सबका था, बादशाह नहीं था, लेकिन उसके हुलिये से लोगों ने ये पहचान लिया, पता चला। तो मैं गुजारिश बार बार इसलिए इसके ऊपर इसलिए ज्यादा डिस्कस करता हूँ कि हुलिया बनाना तो बहुत आसान बात, बहुत आसान बात, अंदर से मन को मारना बड़ा कुछ, अंदर से काम को चलाना बड़ा कुछ, हुलिये पे ज्यादा बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है और उससे नेकी बदी का फैसला कर दिया जाता है, ये करना नहीं चाहिए। हो सकता है कोई अरूल जरूल नजर आने वाला कोई आम सा आदमी बहुत कमाल का हो, बहुत आला, और इसकी हमारे यहाँ जो सूफिया कराम की बात कर रहा हूँ, मैं ये पीर खानों की मैं माजरत के साथ नहीं बात, मैं सूफिया कराम की बात कर रहा हूँ जो बड़े, हजरत बहलौल दाना एक बड़ा नाम, बड़ा सूफिया कराम में एक मोतबर चमकता सितारे का नाम हजरत बहलौल दाना। अब ये कमाल का गेटअप था इनका, ये बच्चों वाला लिबास पहनते थे, बच्चों बचगाना, और बच्चों की तरह ही एक लकड़ी का घोड़ा था इनके पास, उसके साथ खेलते रहते थे, लकड़ी के घोड़े पे बैठे और घोड़ा चला रहे, टक 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 बाजारों में मिलते जा रहे, तो लोग समझते थे ये दाई मजहूल आदमी, बेवकूफ आदमी। लेकिन वक्त आता है, आखिर वो मोती की चमक कहाँ छुपती है, वो तो आखिर पता चल ही गया कि जी ये कोई आम हस्ती नहीं, ये तो बड़ी सात। तो बादशाह वक्त ने बड़ी तारीफ सुनी हजरत बहलौल दाना की, उन्होंने अपने हरकारों को कहा कि जी मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, बंदोबस्त किया जाए मुलाकात का। तो लोगों ने मना किया, बादशाह सलामत क्या कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती खराब हो जाएगी, आप किधर मिलने जा रहे हैं। बहलौल दाना तो वो मजहूल आदमी है, पागल दीवाना आदमी, वो बादशाह वक्त उससे मिलने जाएगा, बड़ी इंसल्ट होगी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। ये चुप हो गए, बाहर आदमी कोई अपने जो खास कारिंदे थे उनको लगाया कि यार कोई मुलाकात तो करनी है भाई, बंदोबस्त करो, कोशिश करते रहे, हुआ नहीं। आखिर बादशाह की ख्वाबगाह के पीछे जो पाए बाग था, हजरत बहलौल दाना अब रात की तारीकी में कहीं खेलते खेलते वहां पहुंचे, और वही काठ का घोड़ा इनके पास, और ये खेलते हुए घूम रहे। बादशाह ने ख्वाबगाह से नीचे देखा, बालकनी से नीचे देखा, मुराद तो सामने आ गई। अब जनाब अली फिर हरकारों को सुन रहे, अब ये कहूंगा फिर नहीं मिलने देंगे, तो मुतमिन खास को एक आग को कहा कि इधर आओ दरबानों को, और कहा यहां से रस्सी लटकाओ इधर ही से, और इधर ही से इन्हें उठाकर ऊपर ले आओ, मेन से लाऊंगा फिर लोग मना करेंगे, मिलने नहीं देंगे। यही हुआ, ये नीचे रस्सी लटकाई गई, इनको बांधा गया, और हजरत बहलौल दाना को ऐसे ही बालकनी की तरफ खींच लिया और बादशाह के सामने बिठा दिया। ये इन्होंने कसूर माफ कराया कि हुजूर गुस्ताखी हो गई, लेकिन मैं मिलना चाहता था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था, आप मुझे कुछ सबक दें, मेरे अंदर एक खालीपन है, मेरे अंदर एक तड़प है, एक तलब है, मैं अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू करना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं वो मुझे कैसे मिलेगा। तो हुजूर बाबा जी ने फरमाया कि ऐसे ही जैसे बादशाह को बहलौल दाना मिला, क्या कि जी मैं नहीं समझा, कहा मूर्ख जैसे बहलौल दाना को बादशाह मिला, कह जी मैं नहीं समझा, कहा तुम बात नहीं समझ, अगर मैं तुमसे मिलने आता, मैं तुमसे मिलना चाहता तो मुझे कौन मिलने देता, मुझे कोई मिलने देता, कहते आवारा दीवाना है, मुझे दरवाजे से भगा देते, कौन आने देता। अब जब मुलाकात का वक्त आ गया तो तुमने खुद ऊपर से रस्सी नीचे लटकाई, मुझे खींचा और बुला लिया और मुलाकात कर ली, बस ऐसे ही जब वो जाएगा तो तुम्हें खींच कर बुला लेगा और मिल लेगा। वो ऐसे ही मिलता है, वो वैसे नहीं मिलता जैसे तुमने समझा, वो ऐसे ही मिलता है, है जी, उसकी मिसाल ऐसे ही है। मेराज का वाकया उन्होंने रिलेट किया ना, वो अल्लाह ताला ने मिलना था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसे ही ऊपर खींच कर बुला लिया, ये इन्हें ले आओ,
जरा हम मिले। उन्होंने कहा हुजूर दूसरी बात जो आपने फरमाई है, कहा कि देखो जब गरज होती है तो बादशाह भी फकीर बन जाता है, वो भी फिर शेष नवाता है, वो भी फिर तुम्हारी ना घुटनों पर बैठा होता है और बहलोल दाना से सीखा होता है। ये आपस का रिलेशन ऐसे ही जब अंदर से चल पड़े, ऊपर से कुछ नहीं होगा, ऊपर से तो मना करने वाले रोकने वाले ही होंगे, ऊपर से पाबंदियां लगाने वाले होंगे, अंदर से ही बात चलेगी तो अंदर से चलेगी। अब मैं इससे ना खुद भी एक किया और पुरानी मिसाल की है, वो हम तो कुत्ते पालते हैं ना, आपको पता है हम तो हमेशा से, तो वो बहुत कीमती होते हैं जाहिर है, तो हम उनको फिर बांध के पट्टा डाल के और रस्सी डाल के रखते हैं और अंदर फादर से रखते हैं। ये जानवर ये ऐसा ही है कि ये रस्सी तोड़ाने की कोशिश करता है, ये पट्टा खोल लेता है, खासतौर पे नर हो ना मेल, वो रस्सी तोड़ लेगा, काट लेगा और छलांग मार के बाहर जाने की कोशिश करेगा। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये बाहर गया तो या तो ये चोरी हो जाएगा, या इसको आवारा कुत्ते पकड़ लेंगे, या इसको कीड़े पड़ जाएंगे, या इसको चोट लग जाएगी, इसका नुकसान होगा बहुत, ठीक ठीक ठाक मर जाएगा, काम का नहीं रहेगा। तो फिर उसके गले में पट्टा डाला जाता है, उसको जंजीर बांधी जाती है, उसको बांधा जाता है, हिफाजत से चार दीवारी के अंदर बंद किया जाता है। बस ऐसे ही बंदा है खुदा का काम, बस ऐसे ही है जी, जिसके गले में पट्टा पड़ जाए, जिसको रस्सी से बांध दिया जाए, जिसको चार दीवारी की सीख दे दी जाए, बस वही कामयाब काम रहा। और इसमें कमाल क्या है, इसमें कुत्ते का कोई कमाल नहीं, इसमें कुत्ते का क्या कमाल है, इसमें दो मालिक का ही कमाल है, वही पट्टा डालेगा, वही रस्सा डालेगा, वरना डालने वाला कैसे है। कुत्ता खुद थोड़ी रस्सा लेकर पट्टा लेकर आ जाएगा, जी मैं आप मुझे अपना मालिक बना लें, और इंसान यही करता है, इंसान तो अल्लाह ताला के साथ यही करता है, जी मैं आपका बंदा हूं, है जी आई ऑफर माई सर्विसेस, आप कहते रहे भाई, आप कहते रहे बहुत अच्छा है, आपके हाथ में एक पट्टा इधर रस्सी है और आप कह रहे हैं कि जी मैं लाया तो हूँ, ना ये मेरे गले में डालना ना रस्सी से बांधना, रहना मैं आजाद चाहता हूँ, बंदा मैं आपका बनना चाहता हूँ, ऐसे नहीं, आपको तो हवाले ही करना पड़ेगा। और हवाले क्या कर रहे हैं, वो तो खुद आपको हाथे में किए हुए हैं, ऑलरेडी चार चबेरे से घेरा हुआ है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शय मुहीत, हमने हर चीज को घेरे में ले रखा है, वो घेरे में ले लेगा तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी, वो घेरे में नहीं लेगा तो आप कैसे घेरे में आ जाएंगे, है नहीं? वो आपका मालिक बने ना तो आप कैसे उसके गुलाम, आप कैसे उसके कुत्ते बन जाएंगे, आप कैसे पट्टा गले में बांध लें, ऐसा नहीं हो सकता। और पट्टा गले में बांधने वाली मिसाल तो पिछली महफिल में हो गई, वो बस इतना ही है कि हमने हर एक ने अपनी पहचान का पट्टा अपने गले में डाल रखा है, नेकी का पट्टा, बदी का पट्टा, शराबियों का पट्टा अलग है, शराबी शराबी को जान लेता है फौरन, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने वाले के पास चला जाएगा, भाईजान लेटर देना, फौरन फौरन देख लेगा, नेक आदमी नेक आदमी की तरफ रगबत करता है। कुरान शरीफ में भी ऐसे ही लिखा है, हमने शहद की मक्खी को कहा कि तुम इबादत करती जाओ, अपने रब का जिक्र करती जाओ, आपने उसकी आपने देखी है शहद की मक्खी का सफर, शहद की मक्खी कभी सड़े गंदे गले गंदगी के ढेर पर नहीं बैठेगी, जितना मर्जी सफर करना पड़े वो खुशनुमा खुशगवार बाग तक पहुंचेगी, ताजा फूल तक पहुंचेगी, ताजा फूल, उसे पता है कई जगह कीचड़ों में ताजा फूल होता है वहां पर भी बैठ जाती है, उसे पता होता है यहाँ एक आम की चीज है, वो ताजा फूल में बैठेगी, अपना रस लेगी, उसको जो देना है देगी, गिव एंड टेक होगा, वो अपना रस वापस लेकर शहद बना लेगी। और ये जो गंदगी की आम मक्खी है, इसका कोई काम नहीं, आकी ना बाकी, इसका कोई काम, जहां चाहे बैठ जाए, और गंदगी हो तो बहुत अच्छा, उसको पता है मेरा रिजल्ट यहीं से, वो गंदगी पर ही बैठेगी, गंदगी पर ही बैठेगी। मिसाल ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर ये आम मक्खी हाउस फ्लाई शहद की मक्खी की नकल करे, है जी, और फलों का रस चूसने की कोशिश करे अपना फूलों का, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, फूलों पर बैठ जाए रस चूसने की कोशिश करे, क्या रिजल्ट आ जाएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर शहद की मक्खी गंदगी के ढेर पर बैठ जाए और गंदगी चाटना शुरू कर दे और कहे इससे शहद बना लूंगी, क्या रिजल्ट आ जाएगा, इससे कुछ रिजल्ट नहीं है। वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, तमाम अपने अपने फलक में तस्बीह करते हैं, हैं लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार, हैं कुरान शरीफ में लिखा ना सूरह यासीन में, आपने बार बार पढ़ा, वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, ये सारे के सारे अपने मदार में
عبادت گزار ہے۔ شہد کی مکھی کی مجال نہیں کہ وہ گندی کے ڈھیر پر بیٹھے، عام گندی مکھی کی مجال نہیں کہ وہ پھلوں سے پھولوں سے رس چوس کر شہد بنا ڈالے، امکان، اور اگر ایسا کرے تو بس ناکام ہی ہے، امکان کوئی نہیں اس کی کامیابی کا، کامیاب وہ ادھر ہی ہے جہاں رکھنے والے نے رکھا ہے۔ ایسی بات، کامیاب تو وہ ادھر ہی ہے۔ پھر وہ جو بھوباس ہے، جہاں اس کی کمیونٹی ہے، جہاں اس کو اپنا مدعا حیات ملے گا، مقصد حیات ملے گا، وہاں ہی پہنچ جائے گی، خود بخود ڈھونڈ لے گی، پہچان لے گی، وہ اپنے پھل کو، اپنے پھول کو پہچان لے گی، یہاں سے مجھے پھل مل سکتا ہے، یہاں سے مجھے پھول مل سکتا ہے، یہاں سے مجھے شہد کے لیے رس مل سکتا ہے، نیکٹر اس کا وہاں سے ملے گا، وہ چلی جائے گی، چاہے لاکھوں ہزاروں میل کا سفر کرے پہنچ جائے گی۔ اسے کسی سیکھ کی ضرورت نہیں، کسی اسکول کالج کی ضرورت نہیں، کسی قلم کتاب کی ضرورت نہیں، کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں۔ کیا ایسی بات ہے؟ کہنے والے نے وہی نازل کر دی، اس پہ ہم نے الہام کر دیا شہد کی مکھی کو، اب اس کو مزید کیا تم دو گے، جب ہم نے ہی اس کو وہ علم دے دیا ہے جو ہم نے دیا تھا، ہے جی، ہم نے خود دے دیا، اب کسی اور کے علم کی ضرورت نہیں۔ بلٹ ان ہو گیا، میموری اس کی سیٹنگ ہو گئی، فرسٹ کلاس ہو گیا، تیار ہو گیا۔ انسان میں یہ جو سیکھنے کی اور کج علمی کی، کج بیسی کی، سیر علمی کی، یہ جو کیڑا ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو تکلیف ہے کہ جی میں ذرا علم اور حاصل کروں، 25-36-30-40-50 کتابیں پڑھ لوں گا تو علم حاصل ہو جائے گا، تو نہیں ایسے ہوتا ہوگا، ناکافی ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ کسی کا علم ہوگا جو کتاب میں لکھا ہوا، کسی نے کتاب لکھی ہے، وہ کسی کا علم، آپ ایٹ دی اینڈ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ اپنی مذہبی کتاب ہی پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، حافظ ہو گئے، ہاں جی، اربوں سے حافظ زیادہ کون تھا؟ اربوں سے زیادہ حافظ تو نہیں ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو داخل اسلام ہوئے ان سے زیادہ تو نہیں ہوں گے، ان میں بھی منافقین تھے، نہیں تھے، ان میں ڈھیر لگا ہوا تھا منافقوں کا، مطلب یہ کہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، حدیث جانتے تھے، عربی جانتے تھے، حضور پاک کو دیکھتے تھے، ایمان نہیں تھا اندر، بات ہے اندر ہی، جن کے اندر ایمان تھا وہ سلمان فارسی جیسے تھے، یہاں سے اٹھ کے پہنچ گئے، یہاں سے اٹھ کر پہنچ گئے، فیض حاصل کرو، حبشہ سے آ گئے، بلال حبشی آ گئے، فیض حاصل کرو، باہر سے آنے والے بھی، ادھر سے حضرت اویس کرنی، ملے ہی نہیں، فیض حاصل کر لیا، محبت ایسی وہ تب درجے کی تھی، اندر سے ایسی لگی تھی، وہ فیض حاصل کر لیا۔ تو یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ انسان سمجھ جائے کہ جب تک اندر کا معاملہ سیدھا نہیں ہے، باہر جو مرضی کرتے رہے، آپ لیوا پوتی کرتے رہے، گیٹ اپ بناتے رہے، جو مرضی کرتے، رزلٹ نہیں آئے گا۔ رزلٹ کیا چیز ہے؟ کیسے؟ اب میں کیا ہوں؟ میں ایک عام دنیا دار آدمی، میں ایک عام دنیا دار، میں بچے ہیں، بیوی ہے، میرا کام دال روٹی کرنا ہی ہے، پریشان ہو، ایسا ہی ہے، سچ ہی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرا کام پیسوں کے بارے میں سوچنا ہے، پتہ نہیں آپ کا نہیں ہوگا، آپ تو نیک لوگ ہیں، کلندر ولی اللہ بیٹھے ہیں سارے، تو میں تو اقرار کر رہا ہوں کہ مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، میری تو ہر نماز کے بعد رزق میں ترقی کی دعا ضرور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہو جائے، رزق میں پیسے مل جائیں، پیسے چاہیے، تو یہ ایمانداری ہے۔ میں اب اس مجھے کسی نے راستے میں ڈالا ہوگا شاید، کیا خیال ہے، میرا راستہ بنایا گیا ہے نا، بنانے والے نے بنایا، ایسے ہی ہوگا، میں اپنے اس راستے کو چھوڑوں گا تو میں تنگست ہوں گا، پریشان ہوں گا، پشیمان ہوں گا، غمگین ہوں گا، انفیئر ٹیئر کروں گا، الٹ سیدھے کروں گا، الٹے سیدھے کام کروں گا، نماز بھی گئی، روزہ بھی گئی، عبادت بھی گئی، ریاضت بھی گئی، تو بھائی جس راستے پہ آپ کو ڈالا آپ وہ کریں۔ آپ شہد کی مکھی نہیں ہیں تو نہ صحیح، آپ ہاؤس فلائی تو ہیں، جس ڈھیر پہ آپ کا رزق لکھا ہے وہیں بیٹھنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے نہیں، ہم جناب شہد کی مکھی کی طرح ذرا نیلا پیلا رنگ چینج کریں گے، ہے جی، خود کو پینٹ کر لیں، کپڑوں سے، رنگ سے پینٹ کر لیں خود کو، ہے جی، گیٹ اپ بنا لیں، رزلٹ کیا آئے گا؟ رہیں گے تو آپ ہاؤس فلائی، وہ حضور بابا جی سلطان بابو کا میں پچھلی محفل میں کہتا، ہے جی، کاواں دے بچے ہنس نہ ہوندے پاوے موتی چوک جگائیے ہو،
कव्वे का बच्चा कव्वा ही रहेगा, आप उसको मोती चोक जुगा दें वो हंस हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। वो उसका कामयाबी का रास्ता क्या है, वो कव्वा ही रहे, वो कव्वा ही रहे, वो वहां कामयाब है बिल्कुल पूरा। जितना हंस कामयाब है ना अपने मर्तबे में, कव्वा भी उतना ही कामयाब है अगर वो कव्वा बना रहे। भगत मत किसी को देखकर उसके गेटअप में घुसने की कोशिश करें। अभी तो हम अजीब, हम तो अडॉप्टिंग अडॉप्शन तो हमारे अंदर कमाल है ना, हम हर चीज अडॉप्ट करते हैं। वहां से जब हिंदुस्तान पर हमला करने आते थे ना बाहर वाले लोग, अरबों ने हमला किया, हम अरब हो गए। तेलीराम जो था अब्दुल रहमान में तब्दील हो गया, तो शक्ल उसकी वो तेलीराम वाली थी, वो अपनी शक्ल देखना ही छोड़ दी उसने, शायद टोपी पहन ली, दस्तार बांध ली, वो अब्दुल रहमान समझने लगा खुद को अरब, यानी क्या हुआ उसे। वहां से जनाब अली पठान आए, नादिर शाह आया, ये आया और वो शेर शाह सूरी आया, ये पठान हो गए। जो जनक राम था वो भी वो मुबारक खान बन गया, मुबारक खान बन गया, उसने हर एक के साथ आखिर में खान लगा दिया, उन्हें अडॉप्ट कर लिया। फिर गोरे आए वहां से, वो गोरे सफेद रंग के, वो अजीब कच्चे किस्म के, उन्हें देख के जनाब अली एक दुनिया ईसाई हो गई और पीटर बन गए और जॉन बन गए। कमाल हो गए यार, काली शक्लें, 4.5 फुट कद, हैं जी पतले दुबले बद शक्ल, चरसी भंगी, सस्ती शराब पीने वाले, पैंट पहन ली, पैंट पहननी शुरू कर दी, साफ गोरा साफ, काले रंग का गोरा साफ, पीटर बन गए, जॉनसन बन गए, फिलिप बन गए, बीवियां उनकी काली गलूटी, हैं जी सड़ी भूसी, आंखें दसी हुई अंदर, क्या है अलिस्बत। वो सिर्फ अडॉप्ट किया है आपने, ये कौन अडॉप्ट कर रही है, अब हम हिंदुस्तान को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हमें अडॉप्ट कर रहे हैं। अब मैं हिंदुस्तानी प्रोग्राम देखता हूँ ना अक्सर, वो कपिल शर्मा के, तो उसमें अक्सर वो कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह बैठी माशाल्लाह, वो मुसलमानों की कोशिश कर रहा है उर्दू सीखने की, कहता है उर्दू में बात करें जरा कलील, वो इस तरह अक्सर प्रोग्राम में। हमारे यहाँ वो कहते हैं ये टमाटर आपके लिए, इसको अच्छे से धो लेना है, ये अच्छे से धो लेना, ये वहां से आया। हमारे यहाँ तो होता था अच्छे तरीके से धोए, अब होता है अच्छे से याद करके आए, अच्छे से धो ले, वो उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अडॉप्शन की बीमारी है। हम असल में अभी अभी वो असल में अपने आए ही नहीं, बढ़ोतरी का वो सिखावट सीखने का अमर वो जारी है। अभी तो दुआ करें वो चाइना आएगा तो हम पता नहीं क्या क्या सीखेंगे, है जी। फिर अगली सदी के जो हमारे वो नस्लें होंगी वो कहेंगे कि अजदहे का गोश्त हराम है, कोबरे का गोश्त हलाल है, फलाने मौलवी ने फतवा दे दिया, कोबरा जरूरत के वक्त खाया जा सकता है, अजदहे का गोश्त मत खाना एनाकोंडा क्योंकि वो तुम्हें खा जाए। बस कोबरे का सर काट दिया तो शरण जायज हो गया। ये अगली सदी में 100 साल बाद हमारा मौलवी ये तकरीर करेगा, क्योंकि वहां से चाइना आ रहा है और वो आपको इतना मारेगा कि आपकी मजहबी शिकायत तब्दील कर देगा, ट्विस्ट कर देगा। अभी बहुत कुछ है ना, पीछे जब रेडियो आया ना, रेडियो तो वो रेडियो भी वो उन्होंने मौलवी ने कहा रेडियो हराम है, इसमें शैतान बोलता है। फिर लाउड स्पीकर आया, लाउड स्पीकर में शैतान था, और उन्होंने कहा इसमें जमात नहीं होती लाउड स्पीकर। ये हमने खुद सुना है, ये हमारी जिंदगियों में हुआ है। छोटे थे तो कई मौलाना जो थे मस्जिदों के इमाम वो कहते थे लाउड स्पीकर पे जमात कराने वाला जो है उसकी नमाज ही नहीं हुई, वो नमाज को लौटाए, क्योंकि लाउड स्पीकर में शैतान बोलता है। अब सबसे ज्यादा शौक मौलवी को ही है लाउड स्पीकर, जरा 4 किस्म के लगे मस्जिद में, वो ऐसी अल्लाह अकबर करे सुत्ता भी होते जाते, बड़ा अच्छा करे, बहुत अच्छा, ईसाई भी जाग गया, हिंदू भी जाग गया, इतनी अजान दे दी तो दे आप बिस्मिल्लाह, बड़ा अच्छा करे। लेकिन आप थोड़े ही अरसे पहले अपने गिरेबान में जाके आप कहते थे ये हराम है। फिर मोबाइल से फोन, फिर तस्वीरें, ये अरब जो है ना इस्लाम के ठेकेदार, ये इनका बड़ा स्टैंड था कि जी तस्वीर जो है अक्सबंदी ये हराम है, अब हर पासपोर्ट पे तस्वीर लगा, कहते ये वाली हलाल है, कमाल है यार, ये हलाल है बाकी वाली हराम। तो पहले आप हर चीज को बड़े शब्दों से हराम करार देते रहे हैं और आगे हलाल करार देते हैं, जैसे ही आपकी किल्ली दबाई जाती है, वो कोरोना वाले नहीं, ऑक्सीजन लगवानी है, ऑक्सीजन लगवानी है जी कोरोना वैक्सीन, वो मोबाइल से बंद हुई तो सबने लाइन लग गई, लगाओ जी वैक्सीन लगाओ सर्टिफिकेट दो, मोबाइल के दीवाने। तो इसी तरह हम हर हराम को हलाल करार देते हैं।
और आइंदा आने वाली नस्लें बिल्कुल एक अलग नया मजहब क्रिएट करके ले आएंगी, और हमारा मौलवी ही उसको बेचारा, क्योंकि उसको तो रोटी चाहिए, वो नया फतवा लाएगा तो रोटी मिलेगी, वरना कैसे मिलेगी, वो नए फतवे ले आएगा, मसला ही कोई नहीं। कहेगा चाइनीज औरत तो अहले किताब नहीं होती, लेकिन उससे निकाह जायज है, क्योंकि फलाने आलिम फरमा चुके हैं और वो ये काम कर भी चुके हैं। अब वो अहले किताब तो नहीं है ना, वो कहेंगे नहीं उनके पास एक किताब है, मजहबी है या नहीं मजहबी, लेकिन उनके पास एक किताब है, तो अहले किताब में शुमार किए जा सकते हैं, इस पे इक्तकिया किया जा सकता है, इस पे इत्तफाक किया जा सकता है, इस पे इज्तिहाद हो सकता है, बहुत कुछ कहेगा। और चाइनीज औरतों से ढेर लोग शादियां कर रहे हैं, देखिए आपने ढेर लगा हुआ है, इवन पाकिस्तानी लड़कियां चाइनीज मर्दों से शादियां कर रही हैं, तो करेंगी ना, जाहिर है आप जब कह रहे हैं वो हलाल है तो इसके लिए भी हलाल है, वो कर ले। तो ये आइंदा इंशाल्लाह फतवा आ जाएगा, नई नस्ल को परेशान होने की जरूरत नहीं, आ जाएगा जैसे जैसे ट्विस्ट आएगा मौसम, वैसे वैसे नए फतवे आते जाएंगे, क्योंकि इज्तिहाद की इजाजत दी गई है, जहां किल्ली दबे वहां नया इज्तिहाद ले आओ, और वो ये इस्लामी है। बुनियादी तौर पे ये कच्चेपन की और अनसेटल्ड लोगों की निशानियां हैं, आप अपने आप में राजी नहीं है, आप अपने असल में राजी नहीं। मैंने आपको वाज़े बताया, मेरा बाप और मेरा दादा और मेरा नाना, ये मैंने सबको साइकिलें चलाते देखा, टांगों में सफर करते थे, पैदल चलते थे, टांगा भी नहीं था, साइकिल भी नहीं थी, पैदल चलते थे। हमारे दादा और नाना तो साइकिल बहुत बाद में, तो वो साइकिल चलाते थे हमारे वाले साहब से। मुझे है ना कीड़ा मोटरसाइकिल लेने का, मुझे है ना कीड़ा गाड़ी लेने का, मैं वो हूं नहीं, मेरा बाप वो नहीं था, मेरा दादा वो नहीं था, नहीं था ना, मैं अनसेटल्ड हूँ, अनसेटिस्फाइड, इसलिए मैं मोटरसाइकिल से जंप मार के गाड़ी पे आ रहा हूँ, मैं फिर उसका बवाल उठा रहा हूँ। सबने यही किया, सबने यही किया, सारे भेड़ चाल हो गए, सारे गड्ढा प्रसाद, खोते रेड़े पे चलने वाले, बैलगाड़ी पे चलने वाले, साइकिल चलाने वाले, सब गड्डी ला रही, टूटी नवी गड्डी आ रही, तमीज है नहीं, तमीज तो आपकी गड्ढे वाली है, तमीज तो साइकिल वाली है, औकात तो वही, वो संभाली नहीं जा रही, टिकरे मार रहे हैं, या फिर पेट्रोल के पीछे पागल हो गए, गैस के पीछे पागल हो गए, वो भाई जान आप खुद दलील हो रहे हैं, आप मत जाते उस तरह से, रूल होने की जरूरत ही नहीं थी, वो आपका रास्ता नहीं था। अनसेटल्ड लोग कहते जी उतनी दूर जाना होता तो कैसे जाए, आपने क्यों दूर जाना होता, और क्यों जाते हो भाई जान, क्यों जाते हो, नजदीक ही क्यों नहीं जाते। अभी हमारी गली है ना, यहाँ 10-20-50 स्कूल हैं, आपकी गली में भी हो, राह चलते आगे पीछे ये स्कूल ये स्कूल ये स्कूल ये स्कूल, लेकिन माँ कहती नहीं ये स्कूल अच्छा नहीं है, वो वाले, फिर मैंने गाड़ी लगवाई है, मैंने गाड़ी, वो गाड़ी में लगवा के बच्चे को जलील करेंगे, वो भाईजन वो भी स्कूल ही जो आपकी गली में खुला, कहते नहीं उसका तो स्टैंडर्ड ही कोई नहीं, महंगा आपका स्टैंडर्ड क्या, आपका भी स्टैंडर्ड कोई नहीं है, पहले अपना तो स्टैंडर्ड खड़ा करें, तो नहीं वो हम जरा दूर वाले में, वो वाला पकवान अच्छा, पता चलता है अंदर वो भी वही। तो ये अनसेटल्ड लोगों की निशानियां हैं जो हमारे यहाँ बड़ी पड़ी हैं, बड़ी पड़ी और कुछ भी, पढ़ने वाला भी ऐसा, पढ़ाने वाला भी ऐसा, सीखने वाला भी ऐसा, सिखाने वाला भी ऐसा, वो ऐसे ही हैं सारे, ऐसे ही चल रहा था और चलता रहेगा जब तक सेटल होने की कोशिश, अपने आप में कामयाब कामरान हो जाए। मुझे अल्लाह ताला ने बनाया बिल्कुल ठीक बनाया, जैसा उसने बनाया वो उसने बिल्कुल ठीक बनाया है, काला बनाया है या गोरा बनाया या छोटा बनाया या बड़ा बनाया, बिल्कुल ठीक। हाँ आप अपनी मेंटेनेंस करते रहे, आप मुंह धोए, पाक साफ रहें, साफ सुथरा लिबास पहने, आप उछल कूद करें, लिबास का ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें, सोने जागने का ख्याल रखें, बेसिक स्टैंडर्ड्स कायम रखें, अपने आप में रहकर दूसरे के सफेद मुंह देख के अपने मुंह पे आटा मलने की जरूरत नहीं, वो बाज ही नहीं आते। अच्छा वो काले काला होना चाह रहे हैं गोरे, वो ज्यादा चिट्टे हैं ना, वो धूप में लेटे रहते हैं, कहते हैं वो थोड़ा जब वो स्किन बर्न हो जाए तो हम जरा काले लगे, वो उनको वो कीड़ा चढ़ गया, वो भी अनसेटिस्फाइड है, उधर चर्सी शराबी है बेचारे, उनका भी दिमाग उधर खराब हो, वो भी अपने आप में सेटिस्फाइड है, वही चाहते हैं कि जी हमारा रंग चेंज हो जाए, हम आप आंखों का रंग नीला करना चाहते हैं, हम बालों का रंग सुनहरा करना चाहते हैं, हम मुंह पे सफेद रंग लगाना चाहते हैं, वाइट स्किन हो जाए, हम वाइट होकर क्या कर लेंगे, वाइट होकर क्या करेंगे, कायद आजम वाइट स्किन के थे, कायद आजम की स्किन वाइट थी, दोनों बड़े थे, 22 इंच का बाइसेप्स कायद आजम,
लंबे चौड़े बहुत थे, 7.5 फुट का था वो, कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो अंदर से सीधा आदमी था, एक नंबर आदमी था, जो उसने सीखा था, जो उसने पढ़ा था, इस्तेमाल किया, उसने सीखा ही वो जो इस्तेमाल कर, वो MBA कर रहे थे, पता है आपको, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू में, छोड़ दिया उन्होंने, कहा नहीं वकालत करनी पड़ी, वकालत की, फिर जब सीखी वो पीछे उस्ताद भी वो शागिर्द को मिल जाते, कमाल लोग थे, अलामा इकबाल जैसा मिल गया, और वो बहुत सारे ग्रुप भी ऐसा मिल गया ना उनको, लेकिन पहचानने वाले पहचान लेते हैं। अलामा इकबाल ने कहा कि जी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, आप मुस्लिम लीग के सदर बने, कमाल, ये सीनियर बहुत थे, अलामा इकबाल सीनियर थे, लेकिन जब उन्होंने समझ लिया कि ये एक बड़ा आदमी है और ये एक प्रैक्टिकल आदमी है, जो उसने पढ़ाया वो ये जानता है, ये इसने डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़ा, ये अंदर से जानता है, तो किसी डोले की और किसी रंग सफेद की और किसी ब्लॉन्ड हेयर की जरूरत कायदे आजम को नहीं थी, स्टाइलिश बड़े थे, बिल्कुल ठीक रहते थे, सूट ऐसा आला नस्ल का पहनता था, जूता महंगा कमाल का, लेकिन वो अपने आप को नहीं छोड़ बैठे थे, वो अपने आप को नहीं छोड़े, वो तो कायदे आजम ही रहते, मोहम्मद अली ही नाम था, वो जॉन पीटर नहीं बन गए थे, अभी तो हमारे यहाँ जॉन पीटर बहुत होते ना, 10 बारों को निकल आते, जान को पीट रहे थे जान को पीटते, जॉन पीटर ही हो, तो वो बाहर आ, बाहर आ, वो एक अलग मामला है, वो उनका ऐसी बात आ जाती है, करनी नहीं चाहिए। तो गुजारिश ये है कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्थ तैयबा भी देखें, आपको ऐसे आप बहुत ही, आपकी सीरत में ये आपको बात मिलेगी कि आप जिस कम्युनिटी में बैठते थे आप उसमें घुल मिल जाते थे, बच्चों में बैठे हैं बच्चों वाली बात, बच्चों ने वो छठा कलमा सुना, अब यहाँ जितने भी बुड्ढे हैं ना उनके पट्ठे बुड्ढे हैं, मैं उनके मुंह पे दाड़ियों वाले आफत साहब तो फलाने साहब, वो जब किसी के घर जाएगा ना बच्चा पकड़ेगा, इधर आ चौथा कलमा आंदा ही, और वो ना बच्चा सुनाया तो उसके बाप तेरे प्यू नू भी नहीं आंदा, ऐ वही बदमाश बन जाए, पता नहीं कौन सी तबलीग कर रहा होता, किसने 2-4 कपड़े छपड़े सर पे बांध लिए या कहीं यहाँ गले में डाल, वो किसी शादी में जाके ना फिर वही कहेगा हाय हाय बढ़िया वारगी हो रही, बढ़िया वारगी, और तू शादी में आया क्यों खबीस, तू घर बैठ मस्जिद जा, तू इधर आया क्यों है, तू लोगों को टीज करने क्रिटिसाइज करने आया, तू अपने घर रह, तू मस्जिद जा, तू उस ग्रुप में बैठ जहाँ पे बेहूदगी नहीं हो रही, तू बेहूदा लोगों में आया क्यों यार, अपने घर नहीं, वो उधर जाके तबलीग करेगा जहाँ तबलीग करनी ही नहीं है, इन्ना मान तुंदिर मरी तबा जिक्र व खशिय रहमान, उन्हें सिखाओ जो सीखना चाहते, आप यहूदियों में जाके खड़े हो, ये यहूदियों साले नमाज पढ़ा करो देखो वरना तुम दोज़ख में जाओ, और यहूदी जवाब क्या देगा, कहेगा पागल हो गया, पागल है ये, और तुझे पता ही नहीं हम यहूदी हैं, अभी पिछले दिनों ना मुझे जाना पड़ा इस्लामाबाद, तो मैं खड़ा था टैक्सी के इंतजार में, दूर था, तो मैंने उधर वो जनाब अली उसको करीम वाले को बुक किया, उसको तो इतनी देर में गाड़ी आ रही थी, तो वो साथ चलता हुआ ना लोकल ड्राइवर एक आ गया, उनके पास भी गाड़ी, कहते सर जी किधर जाना, मैंने कहा जी अडियाला रोड जाना, अच्छा कहते ये जो यहूदियों की कंपनी है इधर किधर फंसे मेरे साथ चल, मैं कहा अच्छा मैं देखता हूँ वो कितने पैसे, कहते जी आपसे 1600 रुपये ले लूँगा, तो एक सवारी साथ दिखाऊँगा, मैं कहा अच्छा मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, जरा ये अभी चल रहा है मैं कैंसिल नहीं कर सकता, पैसे पड़ जाए, वो आ गया थोड़ी देर में, अभी गाड़ी आ रही थी बुक हो गई 800 रुपये में बुक हो गई, तो फिर आ गया, कहते ये यहूदिया नहीं कंपनी है जी, मैंने मोबाइल बंद किया, मैंने कहा भाई साहब मैं खुद भी यहूदी हूँ, मैं यहूदी हूँ, कहते अलहमदुल्ला जी तो मुसलमान, मैं क्या नहीं भाई मुसलमान तो आप हैं जो अडियाला रोड के 1600 रुपये मांग रहे, मैं तो यहूदी हूँ शरीफ साहब 800 रुपये दे के जाऊँगा गरीब आदमी, मुसलमान तो आप हैं 5 वक्त की नमाजी दाढ़ी रखी हो आपने कहा, वहां कहाँ लेकर जाए उस नमाज को आदमी, कहाँ लेकर जाए उस दाढ़ी को, जहाँ आप चोर हैं और बदमाश, और आप समझ रहे हैं कि ये किसी बाहर शहर से आया मैं इसे लूट सकता हूँ, फ्राटी हैं आप और दाढ़ी के नाम पे फ्राट करते हैं, क्योंकि आपका गेटअप देख के लोग बरो हो जाए, नहीं मौलवी जा लगता है कुछ शरीफ ही है, पता चलता है सबसे फ्राटिया वही, बहरहाल सारे नहीं है बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, दाढ़ी की मैं बिल्कुल बड़ाई नहीं कर रहा, वो तो बड़ी एक आला अरफा सुन्नत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बड़े
इज्जत तकरीम की बात है, वो तो इसने कर ली। और जो औरतें पर्दा कर रही है वो बड़ा अच्छा कर रही है, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है, अगर अपने अंदर से कर रही है, किसी को दिखाने के लिए कर रही है तो भाई होना ना होना बराबर है। और दाढ़ी का भी यही हाल है। तो बहरहाल अपनी इबादत रियाजत जारी रखिए, और बेहतर यह है कि कोई ज्यादा सीरियस ना लिया करो ना कलम, है ठीक है जनाब, अच्छी बात।